अब ये वाला डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। हल्का सा मैंने ब्लू ले लिया। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, और साथ में वाइट। बस थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमने क्ले वर्क किया हुआ है, तो थोड़ा सा केयरफुली। ये क्ले मैंने बनाना भी सिखाया है, आप मेरा कल का परसों का देखिए वर्क, उसमें क्ले का पूरा लिंक वगैरह सब दिया हुआ है, आप आराम से देख के और बना सकते हैं। और अगर आपको मार्केट मेड करना है तो आप कोई मार्केट का क्ले भी ले सकते हो, कोई भी एयर ड्राई क्ले आप यूज़ कर सकते हैं। जो एयर ड्राई क्ले आपके पास हो आप वो यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल फेविक्रिल का बहुत अच्छा होता है, आप वो यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, वो बहुत अच्छी क्ले है, आप वो यूज कर सकते हैं। मोल्डेड आप आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ग्रीनिश लुक दे रही हूँ इधर की तरफ। जो कलर मेरी प्लेट में है बस वही लगा रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं लिया। ये वाइट कलर नहीं है डियर, ये वाइट प्राइमर है, और मैं इस प्राइमर की पिक अभी ना सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को प्राइमर लेने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से साइडों में कलर जरूर करें, नहीं तो फिर आपके काम में ना फिनिशिंग नहीं आएगी। अच्छे से दोनों साइड्स पे कलर कर दीजिए। थैंक यू इप्सा जी। मैंने वाइट नहीं किया डियर, ये प्राइमर है, और इसका मैं पिक शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप में। यहाँ थोड़ा सा मैं डार्क ब्लू लगा रही हूँ, हल्का सा डार्क, क्योंकि जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहाँ थोड़ा सा डेप्थ आती है। ऐसा नहीं होता, आई डोंट नो आपका ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा नहीं होता। आप उसको अच्छे से सुखाइए, और अच्छे से जब वो सूख जाए देन उस पर वार्निश कर दीजिए, फिर उसको कुछ नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड आ गया ना, और हमने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लू और वाइट कलर ही लिया है। अब यही शेड हम इधर लगा देंगे, थोड़ा सफाई से कलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हल्का सा नियॉन यूज कर रही हूं मैं पत्तों में, नियॉन ग्रीन और नियॉन येलो, क्योंकि राखी का फेस्टिवल है तो थोड़ा ब्राइट ब्राइट सा अच्छा दिखेगा। इवन ये हम जन्माष्टमी पे भी यूज करेंगे तो भी अच्छा ही दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ब्राइट। ओके, नियॉन के साथ ना आपके वर्क की ब्यूटी अलग ही लेवल की दिखती है, मुझे बहुत पसंद है नियॉन कलर्स।
आप लोग भी ट्राई कीजिए और ट्राई करके मेरे साथ शेयर भी कीजिए प्लीज़, मुझे तभी अच्छा लगेगा। और ज्वेलरी मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही ला रही हूँ, तो प्लीज़ सब लोग ट्राई कीजिए ताकि मुझे और अच्छा लगे, मैं और अच्छे अच्छे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, हाँ जी, ये नियॉन कलर है। तो ज्वेलरी का सेशन मैं रखूंगी परसों, कल हमारा कोई सेशन नहीं होगा, कल मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है, तो कल कोई सेशन नहीं होगा। परसों सेम टाइम पे हम मिलेंगे, जिसमें मैं आपको 15 अगस्त के लिए ज्वेलरी और राखी के लिए ज्वेलरी, दोनों ओकेजन के लिए ज्वेलरी सिखाऊंगी। ये नियॉन पिंक लगा दिया मैंने हल्का सा यहाँ पे, काफी ब्राइट हो जाता है। अभी इस पे व्हाइट की डैबिंग देंगे ना, तो इतना ब्राइट नहीं दिखेगा, ये बहुत अच्छा दिखेगा। बट नियॉन अच्छे लगते हैं, कभी कभी सुंदर इफेक्ट, मतलब अच्छा लगता है, प्लेजेंट सा, ब्राइट सा। हाँ, पिकॉक प्लेटर तो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, उसको तो हम बस ये कलर करके फटाफट से हम पिकॉक प्लेटर पे ही काम करेंगे। और ज्वेलरी मैं आपको परसों करवाऊंगी, कल सेशन नहीं होगा, आई हैव टू गो समवेयर। तो केयरफुली, क्योंकि आपका ग्रीन भी गीला है, और ऐसा ना हो कि सारे कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाए। थैंक यू। नहीं, वाइट नहीं ऐड किया अभी, वाइट बिल्कुल नहीं ऐड किया मैंने कहीं पर भी अभी, वाइट अब करूंगी मैं। थैंक यू सो मच। तैयारी आपको क्या रखनी है, आपको सिर्फ मोल्डेड क्ले लेके रखना है, ज्वेलरी के जो कनेक्टर्स होते हैं वो लेके रखने हैं, ठीक है ना, ईयर लूप्स वगैरह जो ज्वेलरी के कनेक्टर जो हम यूज करते हैं बस वो, और कुछ भी नहीं। बाकी सब मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। बिल्कुल टेराकोटा लुक की आपकी ज्वेलरी बनेगी, बहुत अच्छी। बट हम काम तभी करेंगे जब आप लोग मेरे साथ काम शेयर करोगे, मतलब कुछ ट्राई कीजिए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों ने कुछ किया। थैंक यू सो मच। और ज्वेलरी तो मैं सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे ही करवा रही हूँ, क्योंकि आप सबने कहा था कि आपको ज्वेलरी सीखनी है, तो मुझे लगा कि जब आप सबकी डिमांड है तो मुझे करवा देना चाहिए। हाँ जी, प्लीज आप सब ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। और देखिए हमारा फटाफट वाला काम हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा ना किसी भी चीज में, फटाफट से दो हमारी ट्रे तैयार भी हो गई। थैंक यू सो मच। बस मेरे पास ना आप लोगों को दिखाने के लिए कोई सैंपल पिक नहीं होती, क्योंकि मैं खुद ही इन्वेंट करती हूँ डिजाइन्स, तो इसलिए कई बार मेरे को ये लगता है कि आप लोग पूछते हो ना कि कैसा दिखेगा कैसा बनेगा, तो वो पिक्स मेरे पास नहीं होती, मैं किसी का कॉपी करके नहीं बनाती।
साथ साथ में यहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट दिखेगा। अब जो ये हमारे दो प्लेटर्स हैं इसको हम ब्राउन कलर से कर देते हैं, ब्राउन बंची है ना। श्योर श्योर श्योर, नेक्स्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। रेगुलर वर्कशॉप्स रहेंगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, तो कुछ ना कुछ नया करते ही रहेंगे। ये मैंने बनाया है सिद्धि जी MDF बोर्ड, या फिर आप CD भी ले सकते हैं। मैंने जो मेरे कल का और परसों का सेशन था आप वो चेक कीजिए, मैंने उसमें पूरा बता रखा है कि या तो MDF बोर्ड ले सकते हैं या फिर आप CD ले सकते हैं। ये देखिए, अच्छा लगा? ये देखिए, ये MDF पे बना हुआ है। ये दो डिजाइन हमारे तैयार हो गए।